गुड आफ्टरनून बच्चों, आज हम आपको लकारों के आधार पर अनुवाद के नियम बतलाएंगे। लट लकार, वर्तमाने लट, वर्तमान काल लट लकार। वर्तमान काल में कर्तृवाच के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है और उसी के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। राम पुस्तक पढ़ता है, रामः पुस्तकं पठति। वर्तमान काल में राम पठ क्रिया, मतलब पढ़ने की जो क्रिया है पठता, इससे मालूम चलता है ये कि वर्तमान काल की क्रिया है। रामा पुस्तकम पठति, राम पुस्तक पढ़ता है। तो रामा प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो क्रिया पढ़ता है ये भी एक वचन की, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। सभी छात्र विद्यालय जाते हैं, सर्वे छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति। सभी छात्र विद्यालय जाते हैं। तुम गांव कब जाते हो? तुम मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, इसलिए तुम लगा। तुम और गच्छसि, गच्छस क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की है, गम धातु से गच्छसि बना। तुम ग्रामम कदा गच्छसि, तुम गांव कब जाते हो? तुम दोनों गर्म जल पीते हो, तुम दोनों, तुम युवाम, युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है। तो इसके साथ क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया भी लगेगी। पा धातु से पिबथा, युवाम उष्णम जलम पिबथा। मैं घर क्यों जाता हूं? मैं उत्तम पुरुष का करता है, मैं उत्तम पुरुष एक वचन। अहम, मैं अहम, क्रिया भी इसकी उत्तम पुरुष एक वचन की होगी। अर्थात अहम गृहम किम गच्छामि, मैं घर क्यों जाता हूँ? अहम गृहम किम गच्छामि, ये पहले नियम के अनुसार अनुवाद हुआ। नियम दो, जब वाक में दो कर्ता होते हैं, बच्चों जब वाक में दो कर्ता आते हैं तो चा से उसे जोड़ दिया जाता है, तो क्रिया द्विवचन की ही होती है। राम और मोहन बाजार जाते हैं, यहाँ राम और मोहन दो लोग हैं, अर्थात कर्ता दो हैं, तो क्रिया भी द्विवचन की लगेगी। रामः मोहनश्च या रामः मोहनाच आपणं गच्छतः, गच्छतः, गच्छतः गम धातु से द्विवचन में एक वचन में, द्विवचन में गम धातु से क्रिया गच्छता बनी, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छता शब्द आया। सीता और गीता खाना खाती है, सीता और गीता, ये इसमें भी चा से सीता और गीता जोड़ा जाएगा। खाना खाती है अर्थात दो है, अर्थात द्विवचन का करता होगा। करता जब द्विवचन का, तो क्रिया भी द्विवचन की लगेगी।
खाती है, खाद धातु से खादता हो जाएगा। सीता गीता च भोजनम खादतः। नियम 3, जब वाक में दो कर्ता वा से जोड़े जाए अथवा लिखा हो तो क्रिया द्विवचन का ना हो करके एक वचन की होती है, क्योंकि वा का मतलब होता है अथवा, या तो ये, अथवा दो में एक। राम अथवा मोहन बाजार जाता है। अब यहाँ पर राम जाता है या मोहन बाजार जाता है, तो अथवा दो में से कोई एक ही जाता है, इसलिए क्रिया भी एकवचन की होगी। रामः मोहना वा अपणम गच्छति। गच्छति शब्द, गच्छति क्रिया का प्रयोग किया गया। नियम 4, यदि मध्यम पुरुष के साथ प्रथम पुरुष का कर्ता एक कर्ता हो, मध्यम पुरुष के साथ साथ प्रथम पुरुष का एक कर्ता हो तो क्रिया मध्यम पुरुष द्विवचनांत होती है। तो क्रिया जो होती है वो मध्यम पुरुष द्विवचन वाली लिखी जाएगी। और यदि एक से अधिक कर्ता हो तो क्रिया मध्यम पुरुष बहुवचनांत होगी, मध्यम पुरुष की ही लगेगी लेकिन बहुवचन लगे जाएगी। जैसे तुम और राम जाते हो, यहाँ पर तुम शब्द मध्यम पुरुष का कर्ता है और राम प्रथम पुरुष का कर्ता है, लेकिन क्रिया जो है वो तुम के अनुसार लगेगी, अर्थात मध्यम पुरुष के अनुसार लगेगी। तुम और राम जाते हो, तुम रामा चा से जुड़ा है तो क्रिया द्विवचन की ही लगेगी लेकिन मध्यम पुरुष के अनुसार लगेगी। मध्यम पुरुष तुम शब्द आया है, तुम अतः तुम रामा चाह चा गच्छता गच्छता गच्छसि गच्छतः। तुम के अनुसार क्रिया लगी है यहाँ पर द्विवचन की, गच्छता। मोहन और तुम दोनों जाते हो। अब यहाँ पर मोहन प्रथम पुरुष का करता है और तुम दोनों मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है। ऐसी स्थिति में मोहना वैसे ही रहेगा, युवाम च गच्छत गच्छत, क्रिया युवाम के अनुसार लगी। युवाम च गच्छत, मोहना युवाम च गच्छत। इसी प्रकार यदि उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ प्रथम पुरुष एवं मध्यम पुरुष के कर्ता हो, उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ प्रथम पुरुष एवं मध्यम पुरुष के कर्ता हो तो क्रिया उत्तम पुरुष के वचनानुसार होगी। जैसे मैं और राम जाते हैं, यहाँ मैं जो है उत्तम पुरुष का कर्ता है और राम प्रथम पुरुष का कर्ता है, तो क्रिया जो होती है वो उत्तम पुरुष के अनुसार लगेगी। उत्तम पुरुष यहाँ मैं शब्द आया है, अहम के अनुसार क्रिया द्विवचन की लग जाएगी, अर्थात हो जाएगा अहम त्वाम अहम रामस्य कच्छावः हो जाएगा। सॉरी बच्चों, मैं और राम जाते हैं, मैं और राम, तो मैं
मैं के अनुसार अथवा उत्तम पुरुष के कर्ता के अनुसार ही क्रिया लगेगी। क्रिया जो कि चा से जुड़ा है इसलिए द्विवचन लग जाएगा, गच्छामि गच्छावा, गच्छावा हो जाएगा, अहम रामस्य गच्छावा। राम तुम और मैं जाते हैं। राम, राम प्रथम पुरुष का कर्ता है, तुम मध्यम पुरुष का कर्ता है और मैं उत्तम पुरुष का कर्ता है। अब यहाँ पर सबसे निकटस्थ जो होगा अर्थात उत्तम पुरुष, राम तुम और मैं जो है निकटस्थ करता है, इसके अनुसार बहुवचन की क्रिया लग जाएगी। रामः त्वम अहम च गच्छामः, मैं तुम और वे सब पढ़ते हैं। मैं उत्तम पुरुष का करता है, तुम मध्यम पुरुष का करता है, मैं अहम पुरुष एक वचन का करता है और तुम मध्यम पुरुष एक वचन का, और वे सब पढ़ते हैं। वे शब्द प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है अर्थात अहम त्वम ते। अब यहां पर क्रिया जो है मैं के अनुसार लगेगी अर्थात उत्तम पुरुष के अनुसार लगेगी। चूंकि तीन लोग हैं, बहुवचन है, तो उत्तम पुरुष मैं के अनुसार क्रिया उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया लग जाएगी अर्थात उसका हो जाएगा अहम त्वम ते च पठामः, मैं तुम और वे सब पढ़ते हैं। यहाँ पर क्रिया मैं के अनुसार बहुवचन लगी पठामः। यहाँ तीनों पुरुष के कर्ता भले ही हो लेकिन क्रिया उत्तम पुरुष बहुवचनांत है। नियम पांच, यदि कई कर्ता वा अथवा या से जुड़े होते हैं तो क्रिया अपने सबसे निकट के कर्ता के पुरुष तथा वचन के अनुसार होती है। जैसे मोहन अथवा तुम जाते हो, मोहना तुम वा गच्छसि। यहाँ पर निकटस्थ जो करता है वो है तुम के अनुसार गच्छसि क्रिया आई है। तुम अथवा मोहन जाते हो, तुम या मध्यम पुरुष का कर्ता पहले आया, अथवा मोहन, मोहन प्रथम पुरुष का कर्ता है एक वचन का तो हो जाता है, तो मोहन के अनुसार अर्थात मोहन प्रथम पुरुष का कर्ता है इसलिए मोहन के अनुसार क्रिया लगेगी अर्थात गच्छति हो जाएगा। तुम मोहना वा गच्छति। तुम अथवा मैं बाजार जाते हैं, तुम मध्य पुरुष का कर्ता एक वचन, मैं आया उत्तम पुरुष का कर्ता एक वचन। अब मैं जो आया वो निकटस्थ है, यहाँ पर क्रिया जो है वो मैं के अनुसार अर्थात उत्तम पुरुष की क्रिया लगेगी। त्वम अहम वा आपणम गच्छामि, मैं अथवा तुम जाते हो, मैं उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता है, मैं अर्थात अहम अथवा वा तुम शब्द जो आया है वो मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता है, तो तुम के अनुसार यहाँ पर निकटस्थ जो है वो मध्यम पुरुष का कर्ता है अर्थात तुम, तो तुम के अनुसार अर्थात तुम के अनुसार क्रिया लगेगी गच्छसि। अहम तुम वा गच्छसि, मैं
अथवा तुम जाते हो, वे सब अथवा हम दोनों जाते हैं। वे सब प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है, अर्थात यहां पर वे ते अथवा हम दोनों अहम आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है, अर्थात निकटस्थ जो है वो उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है। तो उत्तम पुरुष द्विवचन का वचन के कर्ता के अनुसार ही क्रिया लगेगी। मैं अथवा तुम जाते हो तो अहम तुम वा गच्छसि। सॉरी बच्चों, गलत हो गया। वे सब अथवा हम दोनों जाते हैं, तो यहां पर ते आवाम वा गच्छावः। तो यहां पर आवाम के अनुसार, हम दोनों के अनुसार उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है, इसलिए आवाम के अनुसार क्रिया लगी गच्छावः। हम दोनों अथवा वे सब जाते हैं, हम दोनों उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है, और वे सब जाते हैं, अथवा लगा हुआ है और निकटस्थ करता है वे, ते के अनुसार ही क्रिया लगेगी गच्छन्ति। आवाम ते वा गच्छन्ति, हम दोनों अथवा वे सब जाते हैं, तो ते के अनुसार क्रिया लगेगी। बच्चों, आज लट लकार का पाठ पूरा हुआ। अब हम आपको कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न देते हैं जिनको आपको करना है। पहला प्रश्न है, एक भाषा को दूसरी भाषा में परिवर्तन का नाम है क्या? फिर से सुनिए, एक भाषा को दूसरी भाषा में परिवर्तन का नाम है क्या? पहला वाच्य परिवर्तन, अनुवाद या अर्थ परिवर्तन या भाषा परिवर्तन। प्रश्न नंबर दो, क्रिया के साक्षात संबंध को कहते हैं क्या? कारक, पद, विभक्ति, चिन्ह। तीसरा प्रश्न है, कारकों की संख्या है का 8, खा 6, गा 7, घा 10। प्रश्न नंबर 4, पुरुषों की संख्या है का 3, खा 4, गा 2, घा 9। प्रश्न नंबर 5, संस्कृत में वचनों की संख्या है का 2, खा 3, गा 4, घा 1। प्रश्न नंबर 6, संस्कृत में लिंग होते हैं का 2, खा 3, गा 4, घा 1। प्रश्न नंबर 7, मध्यम पुरुष का कर्ता नहीं है, त्वम, युवाम, अहम, युयम। प्रश्न नंबर 8, इनमें प्रथम पुरुष का कर्ता है अहम, सा, आवाम,
ग है युवाम। प्रश्न नंबर 9, कर्ता का चिन्ह है का को खा के लिए गा ने घा का। प्रश्न नंबर 10, लकारों की कुल संख्या है का 5 खा 10 गा 3 घा 4। प्रश्न नंबर 11, लोट लकार का वाक्य है राम घर जाता है या राम को जाना चाहिए या राम गया या राम घर जाए। प्रश्न नंबर 12, क्रिया के संपादक को कहते हैं का कारक खा कर्म गा कर्ता घा करण। तेरा क्वेश्चन देखिए, अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है का सप्तमी खा प्रथमा गा तृतीया घा चतुर्थी। 14 क्वेश्चन देखिए, क्रिया के आधार को कारक कहा जाता है का संप्रदान कारक खा अधिकरण गा अपादान घा करण कारक। बच्चों ये क्वेश्चंस हमने आपको दिए हैं और ये होमवर्क के रूप में आपको पूरा करना है, पूरा करके हमें अगले दिन दिखाना है। धन्यवाद बच्चों।